आपने देखा होगा कुछ लोग नींद में बोलते हैं, इसे हम स्लीप टॉकिंग कहते हैं। आखिर यह होता क्यों है, चलिए समझते हैं। नॉर्मली जब भी हम सोते हैं, हमारी स्लीप को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली 3 स्टेजेस होती हैं NREM स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। स्टेज 1 होती है अवेक और लाइट स्लीप, स्टेज 2 होती है मॉडरेट स्लीप, स्टेज 3 होती है डीप स्लीप। इसके बाद आती है स्टेज 4 यानी REM स्लीप। इस स्टेज में सपने आते हैं और हमारी आंखें बहुत तेजी से मूव करती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अप्रोक्सीमेटली हम 4 से 7 घंटा NREM स्लीप में देते हैं और 1.5 से 2 घंटे REM स्लीप में देते हैं। अब किसी भी स्टेज के बीच में या REM स्लीप के बीच में हमें सपने आते हैं। नॉर्मली जब भी आपको सपने आते हैं, हमारा ब्रेन मोटर एक्टिविटी को बंद कर देता है ताकि हाथ और पैर का मूवमेंट ना हो। इसके लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, लेकिन जब कभी इन न्यूरोट्रांसमीटर में फॉल्ट होता है तो हम मूवमेंट कर लेते हैं, जैसे हमारे फेस में एक्सप्रेशन आएंगे और हमारी वोकल कॉर्ड्स भी मूव करती हैं जिससे हम बोल लेते हैं। जनरली स्लीप टॉकिंग का कनेक्शन एक्सेसिव टेंशन और स्ट्रेस से किया गया है। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, एक्सेसिव कैफीन और सोने से पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से किया गया है।